प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल नाइन हिस्ट्री ऑफ टेक्सटॉनॉमी अगर हम टेक्सोनोमी की हिस्ट्री की बात करें तो ये इतनी ही पुरानी है जितनी के लैंग्वेज स्किल ऑफ मैन काइंड है टेक्सोनॉमी है क्या टेक्सटॉनॉमी को अगर हम डिफाइन करें तो जो टेक्सटोनॉमी है टेक्सटोनोमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग डिस्क्राइबिंग क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम ऑफ द वर्ल्ड यानी इस ब्रांच के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं इसमें तमाम किस्म के ऑर्गेनिज्म शामिल हैं चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं अब अगर हम नेटिव जो पीपल हैं उनकी बात करें या जो नेटिव ट्राइब्स की बात करें तो नेटिव ट्राइब्स यूज टू कॉल स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स यानी जो ऑर्गेनिजम्स के मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं उसकी बेस के ऊपर वो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिवाइड करते हैं जबकि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये एक न्यू फिनोमेना है ये एक नया आइडिया है अब अगर हम मुख्त जो टेक्स्ट्रॉनोमिस्ट हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करें तो उसमें जो सिम्सन है इसने 1961 के अंदर प्रोवाइडेड ए वैल्यूएल सर्वे ऑफ हिस्ट्री ऑफ टेक्सट्रॉनोमी ये एक ऐसा टेक्सट्रोनिस्ट था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंफ्लुएंशियल प्लेटोलॉजिस्ट ऑफ ट्वेंटिय प्लेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं ये फोसल्स के एक्सपर्ट हैं ये फोसल्स की स्टडी करते हैं और ऐसे एनिमल्स जो कि पुराने ज़माने के अंदर मौजूद थे फिर ये किसी तरीके से महफूज हो जाते हैं ये उन एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं तो ये ट्वेंटी सेंचुरी का जो प्लेंटोलॉजिस्ट है ये एक मशहूर प्लान्टॉजिस्ट है और इन्होंने जो फोसल

हो चुके हैं इसी तरीके से अगर हम स्मिथ की बात करें तो स्मिथ भी एक टेक्सोलॉमिस्ट था और ये ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर काम करता था इसने अपना काम अठारह के अंदर स्टार्ट किया और अठारह से 1870 के दरमियान में इसने खास तौर पर जो इंसेक्ट्स है, हैं आट्स हैं उनके ऊपर अपनी स्टडीज कंप्लीट की और 20 इयर्स के दौरान 28 ईयर्स की जो इनकी स्टडी थी इस पीरियड के दौरान इन्होंने तकरीबन 25 जेनरा डिस्क्राइब किए तकरीबन 702 फिशेस इन्होंने डिस्क्राइब की इसी तरीके से अगर हम मिडलर की बात करें तो ये एक ऑस्ट्रियन एंटोमोलॉजिस्ट है एंटोमोलॉजिस्ट इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं इन्होंने क्या किया वर्क ऑन हिस्ट्री ऑफ हायर टेक्सोनोमी एंड ऑल्सो ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स इनका जो ज्यादा काम है वो इंसेक्ट की क्लासिफिकेशन के ऊपर है तो इन्होंने अपना जो ज्यादा फोकस रखा वो इंसेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए इंसेक्ट्स की नई स्पीशीज दरिया करने में गुजारा इसी तरीके से अगर हम मायर की बात करें तो मायर ने नाइनटीन 82 के अंदर डिटेल्स प्रोवाइड की हिस्ट्री के डिफरेंट पीरियड्स की इसने इसने क्या किया बेसिकली जितनी भी टेक्सोनोमिक हिस्ट्री है उसको पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया अब इसने जो टेक्सोनोमी का जितना भी पीरियड था उसको फोर पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया उसको इसने पीरियड वन पीरियड टू पीरियड थ्री और पीरियड फोर का नाम दिया तो नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे कि ये जो मुख्तलिफ पीरियड्स थे इनके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थी और क्या क्या मेजर काम हुए